मोहम्मद शमी की भी एंट्री हुई है, दीपक चहर की भी एंट्री हुई है और जसप्रीत बुमराह की भी एंट्री हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारत की स्क्वाड का ऐलान फाइनली कंफर्म, फाइनल स्क्वाड का ऐलान BCCI ने कर दिया है। चलिए फटाफट पूरे स्क्वाड देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। भारत जीतेगा वर्ल्ड कप, एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया भारत के बल्लेबाजों की। चार बैट्समैन चुने इस समय BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए, जैसा की उम्मीद थी एशिया कप में जो थे वही जाएंगे। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये चार बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन जो की जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन लेकिन श्रेयस अय्यर भी खेलेंगे। श्रेयस अय्यर को एज ए रिजर्व प्लेयर टीम में रखा गया है, तो अगर किसी को चोट लगती है या फिर किसी को कोरोना या अनफिट हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अय्यर की तुरंत एंट्री होगी, वो स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो बल्लेबाजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और बैटिंग को 10 में से भारत की कितने नंबर देंगे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बात करते हैं विकेट कीपर्स की। लगातार सवाल थे, लगातार बात थी, लगातार उम्मीद थी कि सैमसन की एंट्री होगी, सैमसन की एंट्री होगी, नहीं हुआ है। ऋषभ पंत के साथ दिनेश कार्तिक दो विकेट कीपर्स, और उम्मीद यही थी कि एशिया कप में जिस तरह के विकेट कीपिंग लाइनअप है उसी तरह का लाइनअप रहेगा। हालांकि खराब फॉर्म ऋषभ पंत का चिंता का सबब है। अब ऋषभ पंत को तो ले जा रही है BCCI, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, पंत को ले जाना था या सैमसन को ले जाना था या कार्तिक को ले जाना था या दोनों या तीनों को ले जाना था, किसको ले जाना था ऑस्ट्रेलिया में कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो यार बहुत बड़ा झटका लगा था, रविंद्र जडेजा चोटिल है तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तीन ऑलराउंडर्स चुने गए हैं जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए, दीपक हुड्डा, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल। BCCI हुड्डा को एज ए ऑलराउंडर ही प्रोजेक्ट और देख रही है कि भाई वो शायद वो रविंद्र जडेजा के पैजामे में फिट हो जाए, बट ऐसा होने वाला है नहीं क्योंकि जड्डू अपने प्राइम फॉर्म में थे। ऑल दो हार्दिक पंड्या जा रहा है तो इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। तीन ऑलराउंडर्स भारत के जाएंगे, हुड्डा होंगे, पंड्या होंगे, अक्षर पटेल होंगे। 10 में से नंबर दीजिए कमेंट बॉक्स में कैसे लगे ऑलराउंडर्स। अब बात कर लेते हैं स्पिनर्स की। तो यार स्पिनिंग लाइनअप में रवि बिश्नोई को मौका दिया गया था एशिया कप में और अभी भी दिया गया है क्योंकि दो स्पिनर्स प्रॉपर जा रहे हैं, रवि अश्विन, यूजी चहल, जिसकी उम्मीद थी। लेकिन रवि बिश्नोई बाहर बैठे होंगे, उनको रिजर्व प्लेयर के रूप में ले जाया जा रहा है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी स्पिनर या हुड्डा या अक्षर पटेल में से कोई चोटिल हो जाता है या फिर कोरोना हो जाता है तो रवि बिश्नोई को एज ए बैकअप, एज ए रिजर्व प्लेयर ऑस्ट्रेलिया ले जाया जा रहा है। तो स्पिन डिपार्टमेंट था, लेकिन भैया जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिस पर सबसे ज्यादा नजरें गड़ी हुई थी तेज गेंदबाज, कौन कौन जा रहे हैं? चार पेसर जो है उनको चुना गया, जो उम्मीद थी कि चार ही पेसर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जरूरत है। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। तो सबसे बड़ी तो लाइक बनना चाहिए आपका बुमराह के लिए क्योंकि हमने एशिया कप में देख लिया बुमराह की कितनी जरूरत इस टीम को है। तो बुमराह जा रहा है, लाइक बनता है। लेकिन रिजर्व प्लेयर दो जा रहे हैं, मोहम्मद शमी और दीपक चहर भी टीम के साथ सफर करेंगे। हालांकि वो स्क्वाड में नहीं रहेंगे लेकिन वो रिजर्व में रखे गए हैं क्योंकि देखो यार तेज गेंदबाज है तो तेज गेंदबाज में चोट होने के संकेत ज्यादा होते हैं, खर्चा ज्यादा होता है। दूसरी बड़ी चीज, बुमराह भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, अभी चोट से उभर कर आ रहा है, पटेल भी चोट से उभर कर आ रहे हैं, इसलिए दो बैकअप पेसर्स रखे हैं, रिजर्व में जाएंगे, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। लेकिन शमी और दीपक चहर वहां बाहर बैठे जरूर होंगे, आवेश खान का पत्ता कट हो गया है। तो ये थी भैया पूरी स्क्वाड, बताइए जरूर कैसी लगी आपको स्क्वाड। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और भैया माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कीजिए T20 वर्ल्ड कप की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए और बेल आइकन दबाइए।